दावत इस्लामी से पहले आपका अंदाज जिंदगी क्या था? कभी कोई अंजुमन, कभी कोई अंजुमन, मुझे लड़के मारते भी थे। मेरा कोई दाद फरियाद करने वाला। मेमन तो व्यापारी होता है, आपने मस्जिद को पकड़ लिया। सब्जियां बेचना, फल बेचना, क्या ये कारोबार नहीं? दावत इस्लामी बनी कैसे? मजहबी रुझान मेरा था अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का आया मेरे पास, कहा कि वो अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब के घर पर आपको भी मैं दावत है। उन दोनों सेशन में कहीं आपसे भी कुछ बात पूछी गई, आपने भी कोई राय दी? फिर ये हमने 10 बोसियां की और चले। यहाँ कहीं आपका जिक्र नहीं, दावत इस्लामी आपके याद आ गई। मुझसे फरमान लगे कि मैं इलियास, हमारे मामू अरशदुल कादरी कह रहे थे कि मैं इलियास कादरी को दावत इस्लामी का अमीर बनाऊंगा। कहाँ का बनाया? कराची का। मामला आगे कैसे चला? एक मक्तूब मिला, मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। कोई लेटर लिखकर दिया गया आपको कि आप दावत इस्लामी कराची के अमीर हैं? मैं बानी कहाँ बोलता हूँ अपने आप को, ना मैं बानी हूँ ना मुझे बानी बोलो भाई, मैं खादिम दावत इस्लामी। ये भी देखा गया कि जब आपकी मुखालिफत हुई कुछ दिनों के बाद में वो शख्स को कोई ना कोई तरीके से तकलीफ पहुंचती है। खुदा की कसम, मैंने अपने तौर पर कुछ भी काम नहीं किया, अगर कुछ किया तो मेरे रब ने मुझसे किया, बोलना भी नहीं था। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।